तो राधे राधे दोस्तों, आप लोग कैसे हो प्लीज कमेंट में बताइएगा। आप लोगों की दुआओं से, आप लोगों के आशीर्वाद से मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आप लोगों को कुछ पीछे बैकग्राउंड अलग नजर आ रहा होगा। तो आज मैं आई हूँ दीदी के घर पे, क्यों आई वो भी बता देती। तो आज आई हूँ मैं मेरी दीदी के घर, जो है आज श्रेयांश का बर्थडे है। श्रेयांश हैप्पी बर्थडे। तो प्लीज थैंक यू थैंक यू। तो बच्चे मस्ती कर रहे हो पीछे है, मीर हाय बोलो सबको। तो हम लोग ना श्रेयांश का आज बर्थडे मनाने के लिए यहाँ पर आए हैं। तो इसके लिए हम दोपहर से आए और साथ ही साथ हम पुरानी चीज़ों को भी याद कर रहे हैं। तो चलो आप लोगों को भी शेयर कर देती हूँ आज हम लोग, मुझे बाद में बोलूँगी सब कुछ, पहले फ़ोटो देख लो उसके बाद। यहाँ पे देख सकते हो ये सारे बचपन के फ़ोटो है मेरे और दीदी के, अहमद हम तीनों बहनों के, भाई के, सबके फ़ोटो मैं यहाँ पे एक एक चीज़ शेयर करूँगी आप लोगों को, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो यार सबसे पहले यहाँ पे सबसे मिल लो। तो यहाँ पे दीदी है, दीदी हाय, मोनू, जीजा भी बैठे हैं और कविता हाय। तो सब लोग मिल के यहाँ पे हम लोग बचपन के फ़ोटोज़ देख रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए फ़ोटो में ये जो दिख रही येल्लो साड़ी वाली, ये बड़ी दीदी है। और यहाँ पे जो है कविता है, मेरी सेकेंड नंबर वाली सिस्टर। यहाँ पे मैं हूँ और यहाँ पे मेरी बुआ का लड़का है। तो यहाँ पे हम तीनों बहन भाई का फ़ोटो है। और चलो एक एक फ़ोटो शेयर करती हूँ। ये भी देखिए मेरे बचपन का फ़ोटो, साड़ी पहनने का बड़ा शौक था तो वो भी फ़ोटो है। और साथ में देखिए ये भी एक फ़ोटो है ना। और यहाँ पे हम फ्रेंड, यहाँ पे वंदना और जो मेरी बचपन की फ्रेंड है और उसकी सिस्टर कविता और उसकी सिस्टर दीदी, ये भी वही है ना, मनीषा है। ये मनीषा, ये चारों बहन है, मतलब ये वंदना, कविता और निकिता और मनीषा, ये चारों बहनें हैं। और मैं हूँ और ये मेरी सेकंड नंबर। तो वंदना प्लीज़ वीडियो देख रही तो ज़रूर देख ले तेरा बचपन का फ़ोटो। तो अभी भी दोस्ती बरकरार है हम लोगों की, हम सब मिलते अभी भी। और यहाँ पे दीदी, दीदी की शायद से शादी हो गई थी दीदी, हाँ हो चुकी थी, हो चुकी है दीदी की शादी हो चुकी थी। तो और यहाँ पे देखिए ये भी एक मेरा फ़ोटो बचपन का। और ये पूरी फैमिली, यार ये पूरी फैमिली देखिए, हम तीनों बहन, मम्मी पापा और भैया। अरे एकदम क्या ही कहूँ आप लोगों को, बचपन की फ़ोटो देखने की तो बहुत खुशी, बहुत ज़्यादा यादें। हाँ सही बात है। और उससे मैं दीदी की, हाँ वही ना, मैं आप हो गई थी मेरी। और यही घर है, यही देखिए मैं आपको शेयर करूँगी सब कुछ। और ये देखिए मुझे फिर साड़ी पहनने का शौक, फिर से साड़ी वाली फ़ोटो। फिर हम ये पिकनिक स्कूल की गई थी हमारी, तो वहाँ का फ़ोटो है। और ये भी साड़ी पहनने वाला, साड़ी वाला फ़ोटो बहुत मिलेगा क्योंकि हम लोग हर त्यौहार में साड़ी पहनते थे, है ना। तो ये ड्रेस हम तीनों ने, पर अभी फोटो नहीं हमारा है। हाँ ये मेरे पास रेड में था, कविता के पास क्या येल्लो था दीदी, कोफ्ती कलर का। हाँ ये ऐसा था पर तीनों का सेम था, कलर बस अलग थे। और ये देखो मेरे पास याद है। तो ये सब पिकनिक के मेरे फोटोज है। यहाँ पे भी ये भी पिकनिक का फोटो, बाप रे कितना भयानक फोटो दिख रहा है। ये वंदना के साथ और भी फोटो है बहुत सारे, है ना, है ना, इतने है ना बस, ये इतने मेरे बचपन के फोटो है सब। सबसे ज़्यादा फोटो तो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद तो यही आया है पूरे फैमिली के साथ। एक्चुअली सारे फ़ोटो दीदी के पास थे तो आज मिल गए, तो थैंक यू सो मच। बहुत सारा यादें इकट्ठा हो गए यहाँ पे, इतने अच्छे लग रहे थे हम लोग, वाह सही है। ये यहाँ पे ये दीदी का फोटो मिल गया, देखो ये येल्लो वाला जो मैं इसके साथ बोल रही, कविता का नहीं है क्या इसके साथ। और ये दीदी का बर्थडे मनाते हुए है ना, तो हम लोग छोटी छोटी खुशियाँ। और ये हमारा प्यारा सा घर, क्या ही कहूँ यार बहुत। और दीदी बाबू को लेके भी निकाली थी, ये भी दिखा ना, हाँ ये भी पूरा नहीं, ये वाला दिखा, ये मयंक है जो अभी यहाँ पे बैठा है, उसका फोटो ये यहाँ है बचपन का। रे वाह कितना क्यूट लग रहा है एकदम से। और ये दीदी जब बाबू हुआ था मयंक तब का है, नई दुल्हन मस्त मासूम। और ये श्रेयांश है, नहीं मोनू है, अरे मोनू है ये तो, हाँ मोनू है जो स्कूल में शायद से लगा था तब बेचारा रोता हुआ फोटो निकालो। अरे ये दीदी का बचपन का है, हाँ यहाँ पे दीदी का फोटो है, हंसी आ रही है। और यहाँ पे हाँ वाह वाह वाह, टी शर्ट पहने वाह। और ये सॉफ्टी है मेरी भतीजी, और ये दीदी का, और ये मम्मी, ये मम्मी पापा का फोटो तो बहुत सारा रखी है ना, मम्मी पापा का ये। और यहाँ पे भी
ये हमारी मौसी की लड़की हैं और उनके बच्चे हैं, है ना, और मम्मी पापा, बहुत सारे फोटो यार, कितना फोटो निकालते थे कैमरा। और ये देखिए सॉफ्टी गोल्डी का फोटो, मैं, कविता और भाभी, है ना, तभी भी हम बहुत सॉफ्टी गोल्डी, तो मेरे ख्याल से कुछ 5 या 6 महीने के थे। और मम्मी का, माँ का लाडला बेटा, वाव। और ये घर के दामाद जीजा जी का फोटो, जो शादी के लिए जब दीदी को आया था तब का फोटो, हे भगवान, ये है रक्षा। हाँ, और ये देखिए भैया का स्टाइल, जो भैया ने आज भी वही बरकरार है, उनके साथ उन्होंने भेजा था फोटो। ये देखिए, ये रक्षाबंधन का है, ये मेरा कविता का, और ये भी दीदी कैमरा लेके बस। हाँ, ये हमारे घर में कैमरा था, उसी हिसाब से हमने फोटो निकाले थे। और यहाँ पे ये ऐसा, ये सॉफ्टी गोल्डी बचपन का, वाओ। और ये भैया भाभी, ये लोग सब लोग, ये भी इनकी फैमिली पूरी, है ना। अच्छा, ये और ये सबसे प्यारा फोटो इन लोगों का, ये कितना क्यूट लग रहा है ना, कितना अच्छा लग रहा है। ये जो बच्चा आपको दिख रहा है मासूम सा, वो वही है जो अब इतना बड़ा हो गया है, है ना। तो बहुत अच्छा फोटो आया था दीदी, सच में बहुत अच्छा आया था, ये भी बहुत अच्छा आया है, नहीं पर ये बहुत सुंदर लग रहा है। हाँ, ये देखिए, ये चुन्नू मुन्नू, चुन्नू डक, चुन्नू डक, हाँ बस। हाँ, इधर आते हैं। ये मोनू के दादाजी हैं, और फिर दीदी का ससुराल था यहाँ पे। मोनू का बहुत सारा बचपन का फोटो है, स्कूल का। उस समय हमारे पास भी कैमरा था, उस समय मोबाइल नहीं था, बट कैमरा था पहले का, था दीदी के सासू माँ है ना। और यहाँ पे जीजा बड़े खुश अपने बेटे को लेते हुए, अरे ये तो भूल ही गई थी, ये तो देखी नहीं मैं फोटो। ये दीदी की फ्रेंड है स्कूल की, क्या नाम है दीदी इसका, पूजा, पूजा कलावती वंदना। और इसमें से सबसे पहले शादी मेरी हुई, हाँ सबसे पहले शादी दीदी की हुई थी। और ये दीदी का, है ना, और ये दीदी के पर ससुर जी, हाँ दादाजी हैं। और दीदी की सासू माँ, पोते को लेते हुए फोटो, यार ये सब भी बहुत याद है ना, तो पूरा भंडारा खुल गया फोटो का। ये देखिए, वाह 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 वाह, मम्मी की टू कॉपी है, देखो मम्मी की, बड़ी बेटी है, 2 कॉपी। घर के दामाद बाबू, चलो बहुत सारा फोटो हो गया। आप लोगों को सारे बचपन के फोटो आप लोगों को शेयर किए, जो आप लोगों को भी देखने में खुशी हुई कि हम लोग को तो उससे भी कहीं ज़्यादा गुना खुशी हुई, और बहुत मज़ा आया, अच्छा लगा। और अभी हम लोग फोटो ना बंटवारा कर रहे हैं, सोचो हम अपने अपने बचपन का फोटो सब ले रहे हैं, कि दीदी ने अपना लिया एल्बम बना लिया यहाँ पे, है ना दीदी, हाँ यहाँ पे दीदी, यहाँ पे कविता ने अपना फोटो सब ले लिया है, और यहाँ पे मैं भी अपना फोटो सब ले ली हूँ, और भैया का भी है, तो भैया का भी उनको दे दिया जाएगा। और क्यों ऐसा हो रहा है वो आपको आगे पता चलेगा, दीदी ने ऐसा क्यों किया। एक्चुअली सारे फोटो दीदी के पास थे, बट अब हमने बोला नहीं, हमारा फोटो हमको दे दो। तो बहुत अच्छा लगा बचपन का, और ये घर भी वही है जो फोटो में आप लोग देख रहे हो, तो मैं पूरा आप लोगों को टूर कराऊंगी, इस पूरा बचपन का घर हमारा, जहाँ हमारा जन्म हुआ, हम छोटे से बड़े हुए, यही घर है वो जहाँ पे दीदी रहती है। तो कुछ दिन में ये घर, अब ये जगह रहेगी नहीं, तो इसके लिए मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो अभी नहीं, थोड़ा टाइम बाद, पर हम लोग थोड़ा अपने फोटो सेलेक्ट कर लें, और यहाँ पे बच्चों की मस्ती क्या ही करो। श्रेयांश का आज बर्थडे है, तो शाम को केक वगैरह कटिंग होगा, इसके लिए हम लोग आए, वो छोटा सा बर्थडे मना रहे, कुछ बड़ा धूमधाम से नहीं मना रहे। हमने बोला चलो थोड़ा मिल भी लेते हैं, काफ़ी दिन भी हो गया, और श्रेयांश का बर्थडे भी हो जाएगा, और हम लोग घर भी देख लेंगे, क्योंकि अभी कुछ दिन में ये घर टूटने वाला है, तो इसके लिए हम कुछ यादें इकट्ठा कर लें, और आप लोगों के भी साथ शेयर करें कि हमारा बचपन कैसे बीता है, कौन से घर में बीता है, और हम यहाँ छोटे से बड़े हुए, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आज आप लोगों के साथ शेयर करूँगी इस वीडियो में। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, और श्रेयांश को भर भर के विश कीजिएगा हैप्पी बर्थडे। बोलो, बर्थडे बॉय बहुत मस्ती करता है। किसका फोटो है ये? एक एक फोटो मिलते जा रहा है, तो चलो ये उनकी लड़की है, मिलते। तो यहाँ पे देखिए,
अभी देखते देखते शाम हो गई और अभी हमारा जाने का भी वक्त घर पे हो गया है, बट अभी थोड़ा टाइम है, केक वेक कटिंग कर लेंगे उसके बाद हम जाएंगे, है ना। तो यहाँ पे इस घर में आज हमारा आखिरी, जब हम आएंगे तो ये घर टूटा फूटा ही नजर आएगा, है ना। तो इसके लिए हम लोग आए, सच में बहुत सारी यादें घर के साथ, तीनों क्या तीन बहनें भाई सबका बचपन यहाँ बीता है, तो यार समझ सकते हो आप लोग फीलिंग। और हम लोग कोई बंगले में नहीं रहते थे, हम भी एक मुंबई के चौल में रहते थे और वही चौल जो हम जो है बचपन से बड़े हुए, वही चौल वही गलियाँ वही सब कुछ आज देख रहे, तो मतलब बड़े इमोशनल हम लोग हो गए एकदम से, सच में। अब पापा भी आने वाले कुछ दिन में ये घर देखने के लिए, क्योंकि उनकी मेहनत की ये कमाई का घर है, तो भाई वो तो देखना उनको ज़रूरी है ये। तो पूरा भी होम टूर आप लोगों को कराती हूँ कि हमारा बचपन ये घर में बीता है, और एक एक चीज़ शेयर करूंगी जो ये वीडियो में भी रिकॉर्ड हो जाएगा, जब भी हम देखेंगे कि हमारा बचपन का घर हम यहाँ पे रहे हैं, तो वो भी आप लोगों को पता चल जाएगा। बच्चे देख, मिहिर भी बहुत मस्ती करने लगा है, अभी बड़े हो गए बच्चे। श्रेयांश बड्डे बॉय की हालत तो देखो, अभी बोलो मैं तय, अभी मैं भी तो ऐसे ही हूँ, अभी बोलो, अभी जब केक कटिंग करूंगा तब देखना मुझे, सब देखते ही रह जाएंगे, है ना। तेंगे 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 तेंगे, ए कौन सा कौन सा, हाँ एक मिनट रुको रुको, यहाँ से यहाँ से यहाँ से श्याम मिमीर आया, हाँ चलो स्टार्ट। अभी हम लोग वीडियो ही बनाने वाले हैं, पहले मैं आप लोगों को होम टूर करवा दूँ, उसके बाद मैं वीडियो हम बनाएंगे, चलो। तो फ्रेंड जो मैं अपने बचपन के घर की बात करी थी, जहाँ हमारा बचपन बीता हुआ है, तो वो घर की बात करी थी, तो यही वो घर है जहाँ हम छोटे से बड़े हुए हैं। तो ये है हमारा घर जो चौल का है, मुंबई मुंबई में हमारा चौल का घर है, तो आप देख सकते हो इस तरीके का दरवाजा, है ना, और एक छोटा सा ये विंडो जहाँ बचपन में बहुत खेलते थे, बाहर अंदर खेलते थे, और ये एडजस्ट फैन का यहाँ पे किया हुआ है, यहाँ पे सब भगवान की फोटो है, जहाँ पे मम्मी पापा हम सब लोग पूजा करते थे, और ये हमारा घर का दरवाजा, ठीक है। और चलिए फिर अंदर आपको हम लेके चलते बताते हैं। तो थोड़ा सा बदलाव आ गया, पहले ये सीढ़ी यही पे थी, हाँ सीढ़ी यही पे थी, सॉरी, तो यही है, और ये ऊपर जाने वाला रूम है फ्रेंड, ये पूरा, और ऊपर का रूम अभी आप लोगों को बाद में बताती हूँ। तो ये एंट्री जैसे हम करते हैं यहाँ पे, तो सबसे पहले यहाँ पे ये पूरा ये हॉल है, ये पूरा हॉल आप देख सकते हो, पूरा जैसा हमारा पहले का घर, वही शेयर कर रही हूँ। ये ऊपर का कोर्ट वाला था जहाँ पहले भी हम सामान वगैरह रखते थे, और ये नहाने के लिए भूमि थी ये वाला यहाँ पर, और ये किचन ये अब जाके बना, क्योंकि यहाँ पे रेंट पे दिया गया था, तो इसलिए किचन ये अब का है, पहले किचन यहाँ पे नहीं था, यहाँ पे सिंपल से दीवार था यहाँ पे, और सेम ये सारी चीज़ें। और यहाँ पे देखो ये इस तरीके से, पहले यहाँ पे हमारा बेड रहता था सामने इस तरीके से पलंग की, और ये सेम ये जो आपको लादी दिख रही जहाँ पे दीदी ने पूजा का रखा है, कि यहाँ पे पहले हमारी टीवी रहती थी, टीवी रखी जाती थी, और यहाँ पे सीडी प्लेयर वगैरह सब रखा जाता था, तो ये तरीके से, बट अभी भी ये प्लेस वैसे ही है, कुछ भी बदला नहीं है। तो ये नीचे का पूरा है हॉल का, और पहले ये वाला ये कबाड़ तो दीदी का अभी का नया है, हमारा पहले का कबाड़ ये इस तरफ था, और हमारा बेड इस तरफ था, और बस, और उसके बाद हमारा ये जो जैसा है वो वैसा ही है। हम पहले से हमारा दो मंजिला रूम था, पहला और दूसरा, है ना। तो ये नीचे का रूम है, ऊपर का भी रूम आप लोगों को शेयर करती हूँ। ऊपर जो है किचन है ना, आप देख सकते हो कैसा लगा, और अभी बच्चे मस्ती कर रहे हैं, अभी फिलहाल बचपन का घर शेयर कर रहा है, बड़ी खुशी हो रही है, और ये याद ही इकट्ठा कर रही हूँ सब कैमरे में कैप्चर करने के लिए। तो आप देख सकते हो ये अभी डबल हो रहा है, ये बाहर से पूरा आपको दिखेगा, ये हमारी पूरी गली है, है ना, मुंबई की पतली सी गली में हमारा बचपन बीता है, तो ये गली है, और यहाँ बाहर का ये हमारा इतना जगह है जो हम लोग। तो ऊपर का भी रूम चलो मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ, किचन भी फुल करवा देती हूँ। तो अभी हम लोग ऊपर के रूम में आ गए, तो इसी सीढ़ियों से जो आप सीढ़ी के बारे में बात बता रही थी, तो ये सीढ़ी से हम ऊपर आ गए। तो ये है हमारा ऊपर वाला रूम, जो ये पूरा हॉल है ऊपर का रूम का,
तो ये सब अभी दीदी रह रही है तो सारे सामान शिफ्ट कर दी, नहीं तो हमारा सब कुछ अलग था बचपन में, यहाँ टेबल था इस तरीके से, बट ये ऊपर का सब कुछ है। अभी दीदी यहाँ पे रहती थी, रहती है सॉरी फ्रेंड, रहती है यही दीदी हमारी रहती है। तो बहुत मुश्किल से यार मुंबई में बहुत इतना ही घूम लेना बहुत। तो ये प्यारा से किचन है हमारा बचपन का, देख सकते हो ये सेम वही किचन, बस हमारी हाइट बढ़ गई है बस और कुछ नहीं है, किचन वही है। और यहाँ पे ये पहले नहाने का यहाँ पे नहीं बना था मोरी, पहले उस साइड था, उस साइड भी था ऊपर रूम में, बट अब यहाँ पे बन गया है, थोड़ा सा बदलाव आ गया, बाकी घर वही सारी चीजें बस ये। और किचन का प्लीज थोड़ा सा फोटो ले लो थंबनेल के लिए, हमारा किचन वाला बचपन का। तो यही है हमारा और ये बचपन का घर और ये चौल का हमारा, हम भी मुंबई के रहने वाले हैं, वही गलियां वही चौल में सब होते ना झोपड़पट्टी वाला, तो जी हाँ हमारा बचपन एक चौल में बीता है, पतली सी गलियां हैं, वही लोग हैं, सब वही है कुछ। और अब हम सबकी शादी होगी, हम लोग अलग अलग सब चले गए अपने अपने, बस सारे लोग जो है मिलते हैं हम लोग। और यहाँ पे तो ये ना कुछ रीजन है घर शेयर करने का, इतना साल हो गया है हमने अपना ये घर नहीं शेयर किया है, फर्स्ट टाइम अभी। और मेरे वीडियोस में बहुत सारी चीजें मिली है कि मैंने जैसे जैसे चेंजेस किए वो सारी चीजें आप लोगों को मेरे वीडियोस में देखने को मिली है। और बहुत सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी मेरी वीडियो में कि क्यों शिफ्टिंग हो रहा है, क्या है क्या है क्या नहीं है, वो सारी चीजें कुछ है इसकी वजह से। तो और मम्मी पापा, मम्मी पापा को बहुत बहुत थैंक यू कि इतना साल मुझे रहने दिया, इतना क्या बचपन से है मैं तो थी यहीं पे, फिर शादी करने के बाद भी मुझे यहाँ पे रहने दिया। बहुत कम माँ बाप होंगे जो अपने बच्चों को अपने मेहनत का घर बन रहे हैं देते हैं, और मम्मी पापा की यही मेहनत की। थैंक यू सो मच भाई, मेरे पापा का बहुत 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 धन्यवाद। तो चलिए फिर हम डायरेक्ट केक कट करते हैं। तो यहाँ पे जीजा जो है केक लेकर आ गए हैं, कोल्ड ड्रिंक भी आया है, तो हमने छोटा ही बर्थडे सेलिब्रेट किया, और बुलाना तो सबको चाहते थे बट हमने नहीं बुलाया, और हमने सोचा चलो छोटे में ही कर लेते हैं क्योंकि आगे और आप लोगों के लिए सरप्राइज़ है। और तो इसके लिए बस श्रेयांश का बर्थडे इसी तरीके से हम तीनों बहनों ने मिल के मनाया, बहुत मज़ा आया। और ना वीडियो में ज़्यादा आगे बढ़ा भी नहीं पाई, वीडियो का यहीं पे मैं एंड करती हूँ और आप लोगों को मिलती हूँ मैं नए वीडियो के साथ, और इसमें आप लोग पूरा वीडियो एंड तक देखिएगा। हमने श्रेयांश का बर्थडे पूरा अच्छे से सेलिब्रेट किया, आई होप आप लोगों को वीडियो बहुत बहुत पसंद आएगा। और अगर चैनल से जुड़े नहीं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, हम तीनों बहनें बहुत मेहनत करते हैं वीडियो यूट्यूब के लिए, फैमिली बच्चे सब देखना, जॉब देखना, उसके साथ साथ आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आते हैं। तो प्लीज़ सपोर्ट और प्यार बनाए रखिएगा। और केक इतना ज़्यादा टेस्टी था, क्या ही को, और दिखने में भी बहुत ज़्यादा सुंदर था। तो और ज़्यादा वीडियो अगर आपको देखना है पूरा डिटेल में तो ममता विश्वकर्मा व्लॉग्स में जाके आप ज़रूर देख सकते हैं, मेरी बड़ी दीदी का चैनल है, और उनके वीडियो में आप लोगों को आगे बहुत अच्छे अच्छे सरप्राइज़ मिलने वाले हैं। इसके लिए हमने बहुत ही छोटे से मतलब छोटा सा जो है बर्थडे सेलिब्रेट किया है, तो चलिए पूरा वीडियो एंड तक आप लोग देख लीजिएगा। Happy birthday.